गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री बी एल मेमोरियल अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको हर क्लास के हर सब्जेक्ट के वीडियोस सेंड करे जा रहे हैं, उनको देखकर आप लोग कॉपीज में वर्क फेयर आउट कर रहे हैं और उसे लर्न भी कर रहे हैं। वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं आप लोगों को अपनी बुक्स भी खोल करके रखनी है, नीटली वर्क करना है कॉपीज में और लर्न भी करना है, ठीक है। तो आप लोग आज मैथ्स में सॉरी प्रैक क्लास में हिंदी में आप लोग 27 नंबर का पेज खोल के बैठिए, उसमें उ की मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करना है और दोबारा उस पुनः उस शब्द को लिखना है, यानी दोबारा उस शब्द को अच्छे से लिखना है। तो हमें शब्द दिया हुआ है काज। क्या दिया हुआ है? काज। इसके आगे हम वापस इस शब्द में ऊ की मात्रा जोड़ करके और फिर शब्द लिखेंगे काजू। ज पर हमने ऊ की मात्रा लगा दी, ये शब्द बन गया काजू। क्या शब्द बना ये? काजू। श ल, इसमें हम श पर ऊ की मात्रा लगा रहे हैं और शब्द बना रहे हैं शूल। शब्द क्या बना है? शूल। श पे ऊ की मात्रा लगा दी, शूल। ध प, इसमें हम ध पर ऊ की मात्रा लगा रहे हैं, शब्द बना रहे हैं धूप। क्या शब्द बना ये? धूप। स र ज, स पर ऊ की मात्रा लगा दी, शब्द बन गया सूरज। क्या शब्द बना ये? सूरज। फिर देखिए इधर क ब त र, शब्द बनाना है इसे ऊ की मात्रा लगा करके, तो हम ब पर ऊ की मात्रा लगा कर शब्द बना रहे हैं कबूतर। क्या शब्द बना रहे हैं हम? कबूतर। फिर है फ ल दा न, फ पर ऊ की मात्रा लगा दी, शब्द बन रहा है फूल दान। फूल दान, फ पर ऊ की मात्रा लगा दी, शब्द क्या बन गया? फूल दान। प त ल न, इसे हम प त ल पर ऊ की मात्रा लगा के और शब्द बना रहे हैं पतलूना। शब्द बना रहे हैं पतलूना, पतलून। फिर है ड म र, शब्द बना रहे हैं ड म रू। क्या शब्द बना रहे हैं? डमरू। र पर ऊ की मात्रा लगा करके शब्द क्या बन गया? डमरू। वापिस देखिए आप इधर, वापिस दोहरा रही हूँ, वापिस बता रही हूँ, शब्द हमें दिया है काज। क्या शब्द दिया है? काज। तो ज पर ऊ की मात्रा लगाने से शब्द बन गया काजू। ज पर ऊ की मात्रा लगा देंगे, शब्द बन जाएगा काजू। श ल, श पर ऊ की मात्रा लगा देंगे, शब्द बन जाएगा शूल। क्या दिया हुआ है हमें? श ल शल। तो हमें ऊ की मात्रा श पर लगाकर शब्द बनाना है शूल। ध प, शब्द बनाना है ध पे ऊ की मात्रा लगा करके और फिर प धूप। क्या शब्द बनाएंगे? धूप। ध पर ऊ की मात्रा लगा देंगे और प लिख देंगे धूप। स र ज दिया हुआ है, स पर ऊ की मात्रा लगा देंगे, शब्द बन जाएगा सूरज। शब्द बन जाएगा सूरज। स र ज दिया हुआ है, स पर ऊ की मात्रा लगा दी, शब्द बन गया सूरज। फिर क ब त र, ब पर ऊ की मात्रा लगा देंगे, कबूतर बन गया। ब पर ऊ की मात्रा लगाई, शब्द बन गया कबूतर। फलदान, फ पर ऊ की मात्रा लगाई, शब्द बन गया फूलदान। फूलदान। पतलना, शब्द दिया हुआ है प त ल पे ऊ की मात्रा लगा करके पतलून शब्द बना रहे हैं हम। ल पर ऊ की मात्रा लगा दी, पतलून, पतलून। ड
माता लगा देंगे, शब्द बन रहा है ड म रू। र पर रू की माता लगा करके शब्द क्या बना दिया हमने, डमरू। ठीक है, अब देखिए वापस गोले में आपको ऊ की मात्रा का अक्षर, ऊ की मात्रा के साथ अक्षर लिखना है। गोला गोला दिया है, उसमें उसमें अक्षर के साथ ऊ की मात्रा लगाइए, अक्षर के साथ ऊ की मात्रा लगाइए। तो यहाँ पे दिया हुआ है आ और गोला, इसमें लिखना है लू। शब्द क्या बन रहा है, आलू। क्या शब्द बन रहा है, आलू। ल पे ऊ की मात्रा लगानी है और शब्द बन जाएगा आलू। क गोला तर, तो क्या करेंगे इसे हम, यहाँ पे लिख देंगे बू। शब्द बन जाएगा कबूतर। ठीक है, गोला है, इसमें ये शब्द पूरा लिखना है, तो क्या शब्द बनाना है हमें, कबूतर। फिर है गोला और ता, तो गोले में हमें लिखना है जू, और क्या शब्द बनेगा, जूता। क्या शब्द बन रहा है, जूता। फिर गोला जा, चू जा, शब्द क्या बना, चू जा, चूजा। ठीक है, फिर गोला और ली, तो गोले में लिखेंगे मूंग और शब्द बन जाएगा मूली। क्या शब्द बन जाएगा, मूली। ना गोला न, यहाँ पे गोले में लिख देंगे खू, तो शब्द बन जाएगा ना खू न, नाखून। क्या शब्द बन रहा है, नाखून। ठीक है, आ रहा है आप लोगों को समझ में, तो आप लोगों को ये गोले में शब्द के साथ ऊ की मात्रा लगानी है। क्या करना है, अक्षर के साथ ऊ की मात्रा लगानी है, तो पूरा एक शब्द बनेगा। गोला दिया है, उसमें अक्षर के साथ ऊ की मात्रा लगाइए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ल पे ऊ की मात्रा लगानी है, बन जाएगा आलू। बू तो कबूतर, जू और फिर ता जूता, चू जा चूजा, मू ली मूली, ना खू न नाखून। अब आप लोग इसे फेयर आउट करेंगे 2 times कॉपी में, पेज नंबर 27 हिंदी की बुक में, उसमें दिया हुआ है, आप लोगों को ये वर्क करना है, इसे समझना है, लर्न करना है, और आप लोगों को ऊ की मात्रा पढ़नी सीखनी है, और वीडियोस को लाइक करना है। थैंक यू।